गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बीए सेकंड ईयर के अंतर्गत ज्ञान तथा पाठ्यक्रम अनुसंधान में शिक्षक की भूमिका व बाह्य अभिकरण पढ़ेंगे कि पाठ्यक्रम अनुसंधान में शिक्षक की क्या भूमिकाएं होती हैं और इसके साथ साथ कौन कौन से बाह्य अभिकरण जुड़े होते हैं, इसका आज हम वर्णन करेंगे। इसमें शिक्षक क्या करता है कि कविता के माध्यम से छात्रों को शिक्षण कार्य करवाता है, जिससे बालकों की अधिगम स्तर का पता चलता है। यदि कविता सुनते वक्त छात्र आसानी से कविता सुन रहे हैं या मनोरंजन कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि उसका अधिगम स्तर अच्छा है और वह अपना जो अनुभव है दूसरे शिक्षकों में बांटता है। वो बताता है कि इन 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 बच्चों का अधिगम स्तर कैसा है और नए नए तथ्यों का अनुसंधान करके वो पाठ्यक्रम का निर्माण भी करता है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भी गतिविधियाँ होती हैं, जो संचालन होता है, उनका भी ये निर्माण करता है। और साथ साथ पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम की जो गतिविधियाँ भी होती हैं, उनका भी निर्माण करता है। और शिक्षक का पाठ्यक्रम के अंतर्गत बहुत बड़ा योगदान भी होता है। इसमें पहला पॉइंट है अभिभावक ए पाठ्यक्रम अनुसंधान, कि अभिभावक और पाठ्यक्रम अनुसंधान, कि जब विद्यालय में छात्रों को भेजा जाता है तो अभिभावक चाहते हैं कि हमारे जो बालक बालिका है उसका अधिगम स्तर उच्च हो और वो पढ़ने में रुचि उत्पन्न करे। तो क्या करें, अभिभावक जो है वह शिक्षक से कहता है, शिक्षक को बताता है कि आप पाठ्यक्रम के अंतर्गत इन इन चीज़ों का समावेश कीजिए, जिससे क्या होगा, हमारे जो बालक बालिका हैं उन्हें पढ़ने में रुचि उत्पन्न होगी। तो शिक्षक क्या करता है कि इसके अंतर्गत जो पाठ्यक्रम के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी अधिगम स्तर को उच्च बनाती है, उसका वो निर्माण करती हैं, जिससे क्या होता है कि विद्यालय में जो छात्र हैं वो शिक्षण कार्य को पढ़ने में रुचि उत्पन्न करते हैं। और अनेक तथ्यों का अनुसंधान भी शिक्षक द्वारा किया जाता है। ये था हमारा अभिभावक और पाठ्यक्रम अनुसंधान। सेकंड है हमारा समाज एवं पाठ्यक्रम अनुसंधान, कि समाज के अंतर्गत पाठ्यक्रम का अनुसंधान हम कैसे करेंगे। शिक्षक के द्वारा समाज के अंतर्गत भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। जो भी समाज की आकांक्षाएं होती हैं, जो भी दायित्व होता है, उसका निर्माण छात्रों को करना बताते हैं। और समाज के अंतर्गत जो भी गतिविधियाँ होती हैं, जो भी नैतिक कर्तव्य होते हैं, इसका निर्धारण भी इसके अंतर्गत किया जाता है। और बालकों को बताया जाता है कि समाज में कौन कौन सी रीतियाँ हैं या कुरीतियाँ हैं, या समाज में कौन कौन से नियम होते हैं, इसका हमें बताना पड़ता है। और समाज के अंतर्गत अनेक अनुसंधान भी किए जाते हैं, जिसका निर्माण शिक्षक द्वारा ही किया जाता है, जिससे क्या होता है कि शिक्षक का शिक्षण स्तर भी ऊंचा होता है और अधिगम सीखने में भी उन्हें सरलता उत्पन्न होती है। तीसरा है हमारा संस्कृति एवं पाठ्यक्रम का अनुसंधान। जो संस्कृति है वह त्याग का मूल्य प्रमाण है, कि संस्कृति का ज्ञान देना बालक को अति आवश्यक होता है, क्योंकि संस्कृति ही हमारी बताती है कि हम कैसे हैं या बालक कैसा है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है। संस्कृति के अनुसार ही इन मानव चलता है, इसलिए हमें संस्कृति का ज्ञान छात्रों को देना चाहिए, जिससे क्या होता है कि वह संस्कृति के प्रति प्रेम त्याग की भावना रखता है। और पाठ्यक्रम का निर्माण भी संस्कृति के अनुकूल ही करना चाहिए, क्योंकि जब पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो संस्कृति के अनुकूल होगा तो क्या होता है कि बालकों को उसमें पढ़ने में रुचि उत्पन्न होती है, तथा वह संस्कृति के माध्यम पढ़ने के माध्यम शिक्षण कार्य के साथ साथ संस्कृति के बारे में भी जान जाता है और उसको पहचानने की कोशिश करता है। चौथा पॉइंट है हमारा धार्मिक संस्थाएं ये पाठ्यक्रम अनुसंधान, कि धार्मिक संस्थाएं होती हैं, उनका भी पाठ्यक्रम में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षक के द्वारा अभिभावक होते हैं, वो शिक्षक से अपेक्षा करते हैं कि हमारे बालकों को धार्मिक संस्थाओं के बारे में प्रेरित किए करो। इसका मूल तत्व है कि मानवता और नैतिकता, इन दोनों का ज्ञान क्या करता है, शिक्षक इन्हें देता है। सबसे पहले धार्मिक संस्थाएं मुख्य बातों पर बल देती हैं कि समाज में सभी का कल्याण हो और सभी का अच्छा हो, और ठीक है, साथ में जो सभी जो लोग हैं वह संग में मिलकर रहे, संग में एकता रहे, क्योंकि लोगों में जब एकता बनी रहेगी तो क्या होगा, धर्म में सभी एक साथ रहकर आगे चलेंगे। इसलिए धार्मिक संस्थाएं के नाम पर हमें व्यक्ति को एक साथ चलने की या एक साथ मिलकर रहने की प्रेरणा देनी चाहिए।
और यही शिक्षक कर सकता है कि पाठ्यक्रम के अनुसंधान के द्वारा शिक्षक के अंदर धार्मिक संस्थाएं उत्पन्न कर सकता है, जिससे क्या होगा कि बालक को विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होगा और वह सभी को अपने साथ लेके चलेगा या सभी के साथ भाईचारा बना के रखेगा, क्योंकि धर्म जो धर्म है वही हमारा जीवन का प्राण है, क्योंकि हर व्यक्ति का धर्म होता है वह उसे पसंद करता है, यह जब हम जी मरते हैं तब तक हमारा धर्म हमारे साथ जाता है। इसलिए ये जो धार्मिक संस्था है वह पाठ्यक्रम अनुसंधान में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। पांचवा है हमारा समाचार पत्र एवं पाठ्यक्रम अनुसंधान। समाचार पत्र का भी पाठ्यक्रम अनुसंधान में अपना एक योगदान होता है। समाचार पत्र के माध्यम से क्या होता है कि जो विभिन्न विद्वान हैं उन्होंने भी अपने विचार प्रकट किए हैं और शिक्षण के क्षेत्र में उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो विद्वान हैं उन्होंने अपने विचार तो मत किए हैं, साथ ने बताया है कि जो पाठ्यक्रम है उनका संचालन संगठन किस प्रकार का होना चाहिए और समाचार पत्र के द्वारा उन प्रकाशन को उसमें प्रकाशित किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो शिक्षक होता है वह अपने शिक्षण में सुधार लाता है और शिक्षण अधिगम को सरल व रुचिकर बनाता है। समाचार के माध्यम से जो पाठ्यक्रम जो क्रियाएँ हैं उनका संचालन भी इसके माध्यम से ही किया जाता है। तो इसी प्रकार समाचार पत्र का भी पाठ्यक्रम अनुसंधान में अपना एक योगदान होता है। इसमें नेक्स्ट है पत्रिकाएं एवं पाठ्यक्रम अनुसंधान। जो विभिन्न प्रकार की जो पत्रिकाएं होती हैं वे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई होती हैं। इसमें लेख निबंध आदि का प्रकाशन किया जाता है और इन अपेक्षाओं से इन जो अपेक्षाएं होती शिक्षक के द्वारा इस पे खड़ा उतरने के लिए शिक्षक को कहा जाता है, क्योंकि जो पत्रिकाएं होती है उसके माध्यम से पता चलता है कि जो शिक्षक है वह विद्यालय में शिक्षण कार्य कैसा करवा रहा है या जो छात्र है वो पाठ्य वस्तु से या शिक्षण प्रक्रिया से खुश है या नहीं है, उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, उनका सबका जो लेख होता है वो पत्रिकाएँ अपने जो पत्रिकाएं होती हैं उनमें वह प्रकाशित करती हैं और पाठ्यक्रम के अंत का जो भी नए तत्व आते हैं या तथ्य होते हैं उनका अनुसंधान करके शिक्षक उन्हें नई से नई तकनीकों को पढ़ाने की कोशिश करता है।